आपको कैसा पता चले कि ये अब सही है, कब गलत हो गया? अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाता है, शुरू से गाता आया, आज भी गा रहा है, आपको कोई नजायज काम करने के लिए नहीं कहता, राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए कहता है, सेवा सिमरन सत्संग में दिल उसका लगता और आपका लगाने के लिए कहता है, तो 100% वो खरा है। अगर वो कभी किसी आदमी में कमी निकालता है, कभी किसी में ये प्रबंधक सही नहीं, ये फलाना सही नहीं, ये दिंकड़ सही नहीं, समझ लो उसकी लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि उसको किसी से क्या लेना देना। आप अपना बिजनेस करो, काम करो, धंधा करो, राम का नाम जपो बस। और जैसे वो इस तरह की बातें करने लगता है और आप सुनना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए आपका मन भी हरामी होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्यों पहले क्या था और अब क्या हो गया। फकीर संत गुरु तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि चलता पैसा कब खोटा हो जाए इसका कोई मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि वो गिर चुके हैं, मन के हाथों मजबूर हो चुके हैं, चाहे माया के यार बन गए या मोह ममता में फंस गए, भूल गए उस मालिक देने वाले को। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। सारी रौनक उड़ जाए। सच की आवाज, सच आएगा सामने, झूठ होगा।